again. तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए बोया बाय M1। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसे चेक करेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इसकी वॉइस क्वालिटी भी हम लोग साथ ही चेक करेंगे। सो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ बॉक्स को। और बॉक्स में सबसे पहले हमें मिल जाता है हमारा माइक मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह की पैकेजिंग में हमें मिलेगा, ठीक है। तो बॉक्स में अभी हमारे पास और क्या क्या मिल जाता है, हमें यहाँ पर मिल जाता है एक मैनुअल कार्ड कि इसे यूज़ किस तरह करना है, एक बुक टाइप मिल जाती है, ठीक है, इसे हम रखते हैं साइड पर। नेक्स्ट हमें यहाँ पर कुछ अगेन एक कार्ड मिलता है, ठीक है, इसे भी हम लोग साइड पे रख देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मेन कंटेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलता है सबसे पहले एक अदद, हमें जैक मिलता है और यहाँ पर एक सेल है और कुछ एक दो चीज़ें हैं, ठीक है, इन्हें भी हम लोग अभी देखते हैं। और यहाँ पर आ जाता है अब हमारे पास हमारा माइक, ठीक है। सो आई थिंक के लेंथ इसकी काफ़ी लंबी होगी, ठीक है। और ये देखिए, ये हमें मिल जाता है अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के साथ, किसी के साथ भी हम लोग इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमें मिल जाता है यहाँ पर ये, ठीक है। इसमें देखें हमारे पास दो ऑप्शंस मिलती हैं, एक कैमरा मोड के लिए और एक मोबाइल स्मार्टफोन के लिए। आप अगर कैमरा पे हैं तो आप इसको यहाँ पर स्विच कर दें, और अगर आप मोबाइल फ़ोन पर हैं तो आप इसको मोबाइल फ़ोन पर स्विच कर देंगे, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास हमारा मेन माइक, ठीक है, और ये कुछ इस तरह का शो होता है। अभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को यहाँ पर मोबाइल के साथ भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि इसकी साउंड क्वालिटी किस तरह की है और मोबाइल के साथ किस तरह का है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमें यहाँ पर मिलता है, ये कोई प्लास्टिक तो नहीं है, मेटल टाइप लग रहा है, ठीक है। और जो सेल है ये यहाँ पर इस तरह मूव होकर ओपन होगा और यहाँ पर डलेगा हमारा सेल, ठीक है। और अब हम लोग आ जाते हैं इस पर और इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास सेल जो कि अभी हमने देखा कि कहाँ पर लगेगा, तो इसको भी लगाएंगे। और ये नेक्स्ट हमें मिल जाता है यहाँ पर एक क्लिप जो कि हम लोग अपने कॉलर पर या कहीं पर भी लगाकर हैंड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं एक जैक जो कि हमारे जो बड़े डैक होते हैं, बुफर्स होते हैं, जहाँ पर ये लगता है वहाँ पर ये इजीली लग जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह। हम इसमें अपना सेल इंसर्ट कर देते हैं बीच में, कुछ इस तरह से फिट करने के बाद हम इसे बंद कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अब ये जो सेल हमारा काम देगा वो इसके अंदर काम देगा कि हम लोग कभी भी इसको कैमरा मोड में लेकर जा सकते हैं और कभी भी मोबाइल वाले मोड पर लेकर आ सकते हैं। इस माइक की ऊपर एक और चीज़ हमारे पास लास्ट रह गई है और वो है हमारे पास ये। ये क्या करेगा, ये हमारे माइक के अंदर नॉइस कैंसिल करने की हेल्प करेगा, नॉइस कैंसिल करने के लिए। तो ये जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा इसके ऊपर कुछ इस तरह, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कुछ इस तरह इसके ऊपर इंसर्ट कर दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ इसकी काफ़ी है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंदर भी कि काफ़ी ज़्यादा वाइड टीवी है इसके अंदर। हम इसे किसी भी दूर जाकर भी यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके देख लेते हैं कि किस तरह की वॉइस हमें इसके अंदर मिलेगी। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अपने मोबाइल पर भी आ गया हूँ और माइक चेक करवाने के लिए मैं आप लोगों को फ़ोन में आया हूँ। सो जो अभी आप लोग मेरी वॉइस सुन रहे हैं वो आप सुन रहे हैं मोबाइल के ओनली जो ओरिजिनल माइक होता है उसकी आवाज़ है। तो अभी मैं इसके साथ बोया भाई M1 का माइक लगाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैंने वो कनेक्ट कर दिया है बोया भाई M1, और अब मैं जाता हूँ अपने। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने दोनों साउंड चेक कर लिए जो हमारे फ़ोन के साथ था और जो अब हमारा बोया भाई M1 के साथ है, सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।